नमस्कार सभी छात्रों को। भारत के स्वाधीनता संग्राम पर आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम सिंह नाथावत और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत में संविधान बना कैसे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे अडॉप्ट कर पाए, ये सब चीज़ें जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें शुरुआत जब भारतीय संविधान की करनी होती है उससे पहले हमें स्वाधीनता संग्राम के उस फेज़ को जानना पड़ता है जिस फेज में ये संक्रमणकालीन दौर रहा और राजतंत्र से हम लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ते चले गए। कैसे जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हैं, कैसे रेनेशा आता है और कैसे हम लोगों में राजनीतिक उद्वेलन पैदा होता है, राजनीतिक विचार ऐसे पैदा होते हैं कि हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हों। तो ये जो भाव जब प्रबल हुआ भारतीय जनता में तो हम लोगों ने स्वाधीनता का संग्राम लड़ा और इसी जो स्वाधीनता संग्राम को हम मोटे रूप से देखें अगर तो वो कई फेज़ों में है। एक पुराना फेज उसका जो 1857 की क्रांति से लेकर के और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक है। उसके बाद उदारवादियों का एक चरण आता है, उसके बाद एक उग्रवादियों का चरण आता है और उसके बाद अंत में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और चंपारण और खेड़ा में सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद से एक कम्प्लीटली जो भारत का स्वाधीनता संग्राम है वो वन मैन डायमेंशनल हो जाता है। केवल और केवल गांधी के हिसाब से वो सारा का सारा आंदोलन चलता है और इस तरह से हम लोग आज़ादी प्राप्त करते हैं। तो इसके 1857 से 85 तक का एक फेज़, उसके बाद दूसरा चरण हम ले सकते हैं उदारवादी जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल के विभाजन 1905 तक, और तीसरा फेज 1905 से लेकर के 1920 तक जब तक गांधी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से अपने आप को पैठ बना करके और पूरी जनमानस पर पकड़ बना करके स्थापित कर पाते हैं, तीसरा वो। और चौथा जो है ये गांधी युग जो 20 से लेकर के 47 तक जब तक हम आज़ादी प्राप्त कर पाते हैं। अभी इस फेज में हम लोग केवल 1857 की क्रांति और उससे लेकर के 1885 तक के सारे जो हमारी जो गति रही है स्वाधीनता संग्राम की उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों एक बात आप लोग पहले देख लें और इस पर गौर भी कर लें भले कि 1857 की क्रांति हुई उससे पूर्व जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में पूर्वी देशों से व्यापार के एकाधिकार के साथ आती है और भारत और विशेष से दक्षिणी भारत में अपना जो है आधिपत्य स्थापित करती है, फिर बाद में बंगाल की तरफ आकर के अपना आधिपत्य वो कर पाती है, वही कंपनी 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कमोबेश पूरे भारत में अपने आप को शासन के लिए न केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए बल्कि शासन में भी अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान में ला करके रख देती है। ऐसे में बे इंतहा शोषण शुरू होता है अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ भारत में बे इंतहा शोषण करते हैं और इस शोषण के लंबे चलने के बाद भारतीय जनमानस उद्वेलित होता है, सैनिक क्रांति होती है, एक गदर होती है जिस गदर का नाम 1857 की क्रांति है। और 1857 की क्रांति कई मायनों में भारतीय दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे, कुछ नकारात्मक भी रहे। एक तो अंग्रेज़ों को जो विश्वास था कि भारतीय जनमानस कभी भी राजनीतिक रूप से उद्वेलित नहीं होगा, आंदोलन नहीं करेगा, अपनी आज़ादी के लिए नहीं छटपटाएगा, वो उनका जो है भ्रम साबित हुआ और उन्होंने देखा कि कैसे भारत में एक संपूर्ण भारत में संगठित होकर के एक विद्रोह किया जा सकता है और अंग्रेज़ों को जानमाल की बड़ी हानि पहुँचाई जा सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका ये रहा कि वो कंपनी के शासन और कंपनी के शोषण का अंत कहीं होता है और ब्रिटेन की महारानी के सीधे अंडर में भारत का शासन आ जाता है, यानी ब्रिटेन की संसद जो है अब डायरेक्टली भारत के लिए कानूनों का निर्माण करना प्रारंभ करती है। यह इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया से शासित संचालित वह देश जो ब्रिटेन है जिसका कहीं सूर्य अस्त नहीं होता, उसके गुलाम भारत में जो राजतंत्र से संचालित पहले देश था के लिए एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश कानून बनाएगा तो निश्चित तौर पे हमारे लिए ये वो संक्रमणकालीन दौर है जब हम राजतंत्र से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही हुआ 1857 की क्रांति के बाद सीधा 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनकर के आया और इस एक्ट के तहत भारत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।
क्या बदलाव किए गए एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। एक वायसराय के पद का सृजन किया गया जब ब्रिटेन की महारानी देसी रियासतों के साथ में अपने संबंधों का निर्वहन करेगी तो वायसराय के थ्रू करेगी या वायसराय पद के हिसाब से बात करके करेगी, या जो एजेंट अपना नियुक्त करेगी वो वायसराय होगा। लेकिन वही वायसराय जब ब्रिटिश राज्यों में अपने अंडर में रह करके उनको अपने काम में लेगी या उनके प्रति नियम निर्माण और नियमों की क्रियान्विति का कार्य करेगी, तब वही जो पद वायसराय पर रहने वाला व्यक्ति है वो गवर्नर जनरल के नाम से उन कामों को करेगा। एक तो महत्वपूर्ण बदलाव ये 1858 के एक्ट में किया गया। दूसरा, एक भारत सचिव बनाया गया और एक इंडिया हाउस लंदन में स्थापित कर दिया गया, और जो इंडिया हाउस है वो कम्प्लीटली भारतीय मामलों की देखरेख के लिए अपॉइंट किया बनाया गया, और वहाँ जो भारत सचिव रहा करता था वो संपूर्ण रूप से भारत के से संबंधित सभी मुद्दों को वहाँ के संसद में अपने रखता था, और कहीं ना कहीं वहाँ से जो अधिनियम नियम वगैरह निर्माण के काम है वो इनके द्वारा संपन्न हुआ करते थे। तत्पश्चात 1861 का भारत शासन अधिनियम बन करके आता है। 1861 का भारत शासन अधिनियम भारत में हमेशा से विकेंद्रीकरण की योजना की तौर पे विशेषतः जाना जाएगा। भारत में सबसे पहले विभागीय प्रणाली अगर प्रारंभ होती है तो इसी अधिनियम के तहत होती है। भारत में सबसे पहले अध्यादेश प्रख्यापित करना शुरू होता है तो वो भी इसी के तहत शुरू होता है। खैर, यह संवैधानिक विकास का प्रक्रम है और इसको हम संवैधानिक विकास में अलग से भी देख पाएंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है इन सब में कि भारत में स्वाधीनता संग्राम की जो, या भारत में जो आज़ादी की अलग है वो भी धीरे धीरे इन्हीं फेजेज़ में जगना शुरू होती है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ जो कारवां शुरू होता है राजाराम मोहन राय के द्वारा, वहीं केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, धर्मदेव अग्नि मतलब शिवनारायण अग्निहोत्री, राधाकांत देव, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये ऐसे वो महत्वपूर्ण जनमानस रहे, महानुभाव रहे, जिन्होंने भारतीय जनता को न केवल सामाजिक, आर्थिक और परंपरागत रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त किया बल्कि उन्हें राजनीतिक तौर पे भी जागरूक और जागृत करने का महत्वपूर्ण काम किया। वो एक दीगर बात है कि हम अब से पूर्व कभी राजनीतिक रूप तौर पे संगठित नहीं हो पाए थे। वो सबसे पहले हम लोगों को दिखा जब हमने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उससे भी पहले अगर थोड़ा सा देखना चाहें तो 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन बना था, जो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, वो भी इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण संगठन था। कहीं ना कहीं एक संगठन की नींव डालने की भारत में प्रवृत्ति यहीं से शुरू मानी जाती है कि एक ये संगठन बना और तब धीरे 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 हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885, यहाँ तक आते आते हम लोग अपने आप को इनके शोषण से लड़ते, झगड़ते, क्रांति करते, बगावत करते, हम लोग अपने आप को एक संगठन के रूप में पिरो पाते हैं। और एनल ऑक्टोवियम ह्यूम जो है, ए ओ ह्यूम जो है, वो कहीं ना कहीं इसके विशेष तौर पे फाउंडर्स में रखे जाते हैं गिनती। हालांकि माना यह जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, लॉर्ड कर्जन उसको किस और रूप में देखता था वो एक दीगर सी बात है, लेकिन ये निश्चित तौर पे है अंग्रेज सोचते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की कंसेप्ट पे काम करेगी कि भारतीय जनमानस जब भी कभी उद्वेलित होगा तो कम से कम एक सेफ्टी वॉल्व की तरह जो गैस है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से, इस संगठन के माध्यम से निकल जाएगी और हम इस गैस को बुझा पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, इस आग को बुझा पाएंगे। और भारतीय जो जनमानस है वो ये सोचता था कि कम से कम हम संगठित हो पाएंगे और अपनी बातों को इस मंच के जरिए ब्रिटेन की संसद को सुना पाएंगे। हम लोग जब इकट्ठे होकर बात करेंगे तो कमोबेश अपनी मांगों को उनके सामने रख पाएंगे, नियम अधिनियमों को जो है ठीक तरीके से बनवा पाएंगे, लागू करवा पाएंगे। तो दोनों का जनमानस कुछ इस तरह का, दोनों का मानस जो है कुछ इस तरह का रहा, और इसका परिणाम रहा कि 1885 को मुंबई में संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है उसके प्रांगण में इसकी स्थापना होती है। और प्रथम चार अधिवेशनों में चार अलग अलग धर्मों के लोग, चार अलग अलग शहरों में इसके अधिवेशन होते हैं, और ये संख्या जो एक से शुरू होती है, प्रथम अधिवेशन में 300 से संख्या जो शुरू होती है वो चौथे अधिवेशन तक आते आते 1200 से ऊपर पहुंच जाती है। इसके राष्ट्रीय स्वरूप को ये प्राप्त कर लेता है और एक महत्वपूर्ण संगठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साबित होता है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे
कि हम जो उदारवादी चरण है, उग्रवादी चरण है और गांधीवादी युग है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।